नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बिंदास स्वाद में स्वागत है। दोस्तों आज हम कच्चे आम का शरबत बनाने जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमने दो आम लिए हैं कच्चे। तो सबसे पहले इनका छिलका उतारेंगे और इसे बारीक टुकड़ों में कट कर लेंगे। और हमें पुदीना की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने पुदीना को भी अच्छे से साफ करके ले लिया है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं हमने आम को कट कर लिया है छील करके। तो अब मिक्सर ग्राइंडर का जार लेंगे और उसमें ये आम डालेंगे और साथ में हमने जो पुदीना लिया था वो सारा इसमें डाल देंगे। साथ में दोस्तों मैं इसमें आधी कटोरी चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। दोस्तों ये हमारी चीनी करीब दो बड़े चम्मच के बराबर है, तो ये सारी इसमें डाल देंगे क्योंकि हमारे आम खट्टे हैं। तो चीनी जब पड़ेगा तभी उसका जो है कि खट्टापन थोड़ा कम होगा, तो ये सारी हम इसमें डाल देंगे। साथ में एक चम्मच भुना हुआ जीरा और आधा चम्मच काला नमक और थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे जिससे कि इसका बारीक पेस्ट बन सके। अब इसे मिक्सर ग्राइंडर में हम अच्छे से पीस लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा कच्चे आम का पेस्ट बिल्कुल रेडी है। तो अपना हम शरबत बनाते हैं। दोस्तों ये हमने दो ग्लास ले लिए हैं, तो इस चम्मच से दो दो चम्मच हम ये कच्चे आम का पेस्ट इसमें डालेंगे। अब हम इस बिल्कुल चिल्ड पानी का इस्तेमाल करेंगे, इसे बिल्कुल पूरा भरेंगे नहीं क्योंकि हमें आइस क्यूब भी डालना है, तो उसके लिए भी जगह छोड़ना है। अब जिस तरीके का ठंडा पीना पसंद करते हो उतने इसमें आइस क्यूब डाल दीजिए। तो मैं इसमें दो दो आइस क्यूब डाल लेंगे और इसे एक चम्मच के सहायता से मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारे कच्चे आम का शरबत बिल्कुल पीने के लिए रेडी है। तो थोड़ी इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। तो हम गार्निशिंग के लिए पुदीने का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने पुदीना रख लिया था थोड़ा ऊपर का निकाल के, इसे लगा देंगे। दोस्तों हमने पुदीने से इसकी गार्निशिंग कर दी है। दोस्तों जितना ये देखने में टेस्टी लग रहा है उतना पीने में भी टेस्टी है, तो इसे आप एक बार ज़रूर से ट्राई करिए। गर्मियों का ये बहुत ही अच्छा ड्रिंक है। तो दोस्तों ये कच्चे आम का शरबत बनाने का मेरा ये तरीका अगर आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।